आज के हालात में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी यह है कि दलितों का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो ग्राम पंचायत से लेकर ऑल इंडिया सदर तक, नेशनल सदर तक अहदे स्टेप बाय स्टेप लेते हुए तजुर्बाकारी के साथ AICC के सदर बने हैं, सबसे पहले मैं उनका खैर मुकदम करता हूं। और आज वो कर्नाटक में कम से कम 44 मुसलमान कैंडिडेटों को टिकट देने की उम्मीद मैं उनसे रखता हूं। आज इसी तरह मुसलमानों को कम से कम 44 MLA को टिकट दे देकर को मैं उम्मीद रखता हूं। मुझे कांग्रेस से ये उम्मीद है, अगर उन्होंने नहीं दिए तो 44 MLA में मुसलमानों को ठहरा करूंगा। अगर उन्होंने 44 MLA मुसलमानों को दिए तो मैं बिलाशर्त कांग्रेस का सपोर्ट करूंगा और कांग्रेस की वकालत करूंगा। वहां एक्स मिनिस्टर निसार अहमद साहब एक जने MLA बने थे, 30 साल के पहले उन्होंने बने थे, तो उन्होंने जाने के बाद कांग्रेस का MLA एक भी उधर नहीं बन नहीं सका, खासकर हमारे समाज के लोग मुसलमानों को भी नहीं बन सके। हमारा मकसद क्या है कि तो जितना हो सकता है मुसलमान उधर अगर MLA बना तो बहुत सारा अच्छा रहेगा। अगर वहाँ अगर कैंडिडेट कोई नहीं हो रहा है, सेटेड नहीं हो रहा है, जल्दी ये नहीं हो रहा है, तो करीम साहब भी वहाँ होना तो अपने कैंडिडेट को उधर रास उतार सकते हैं, किसी को काम करने छोड़ सकते हैं, ये हमारा इरादा है। कर्नाटक में आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी कम से कम 44 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे। दलित लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरों से रियासत के मुसलमानों को काफी सारी उम्मीदें हैं। बेंगलुरु में नवरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने ये बात कही। कोलार के चंद समाजी कारकुनों ने बेंगलुरु पहुंचकर नवरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई से मुलाकात की। इस मौके पर कोलार के समाजी व सियासी हालात, रियासते कर्नाटक के मौजूदा हालात पर गुफ्तगु हुई। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, कौमी सदर नवरंग कांग्रेस पार्टी, 9731269463 मेरा नंबर है। तो मुझे 2020 में एक पार्टी मिली है जिसका नाम है नवरंग कांग्रेस पार्टी। ये 2018 में रजिस्टर हुई है। तो बहुत सारे कर्नाटक से और पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग हमारे पार्टी के जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं, लेकिन सामने जो कांग्रेस हो या दीगर पार्टियां हो, एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम लगाते हैं कि वोट फोड़ने के वास्ते इन लोग कर रहे हैं घर को। दूसरा जो है, जो भी पार्टी उभरती है उसे BJP की बी टीम का नाम देते हैं। तो यहाँ ये बहुत बड़ा संगीन मसला है, ये आप लोग इसका फैसला करें तो अच्छा रहेगा। देखो, इंसान खुद करना या फिर दूसरे को करने देना, आज कांग्रेस के हालात जो हैं बिल्कुल खस्ता होते आ रहे हैं। एक दौर था कांग्रेस के 400 से ज्यादा MP थे, आज 55 से कम है, जिसकी वजह से अपोजिशन का रुतबा भी नहीं मिला पार्लियामेंट में। तो हो रहा है क्या का, तो देखो अभी ये भाई साहब बता रहे थे, हम ना मुसलमानों को कोलार से MLA जीत कर नहीं आ रहा। तो ये कांग्रेस का अपना मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जब मेरे घर आए हैं तो मैं बोलना ही पड़ता। देखो, मुझे अब तक एक तरह अलग उम्मीद थी, अब एक तरह अलग उम्मीद है। आज के हालात में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि
दलितों का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो ग्राम पंचायत से लेकर ऑल इंडिया सदर तक, नेशनल सदर तक अहदे स्टेप बाय स्टेप लेते हुए तजुर्बाकारी के साथ AICC के सदर बने हैं, सबसे पहले मैं उनका खैर मुकदम करता हूं। रही बात, अब तक कांग्रेस में एक हालात ऐसे थे, मुसलमानों को टिकट देने के लिए सताया जाता था, टिकट देने के बाद भी वोट नहीं देते थे, वोट देने के लिए सताया जाता था। मैं समझता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी इन बात से वाकिफ हैं, इन तमाम बातों से वाकिफ हैं, और आज वो कर्नाटक में कम से कम 44 मुसलमान कैंडिडेटों को टिकट देने की उम्मीद मैं उनसे रखता हूं। वजह यह कि जब वीरेंद्र पाटिल कर्नाटका के CM बने, उस वक्त मुसलमानों के 22 MLA थे। बराए मेहरबानी डिस्टर्ब मत करो, वीरेंद्र पाटिल जब CM थे तो 22 MLA मुसलमानों के थे, जबकि टिकट 25 से ज्यादा लोगों को दिया गया था। लेकिन आज खड़गे जी होंदे, DK शिव कुमार जी होंदे, सिद्धरामैया जी होंदे, मुनियप्पा जी होंदे, परमेश्वर जी होंदे, अब मैं नाम DK हरि प्रसाद होंदे, MB पाटिल होंदे, सतीश जारकीहोली होंदे, ये तमाम जो लोग हैं कायदे मिल्लत यानी मुसलमानों के रहबर हैं। ये जब मुसलमानों के ये रहबर हैं तो मुसलमानों की कयादत को भी वो पसंद करेंगे। ये एक वक्त था राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, धर्म सिंह और खड़गे जी, ये दोनों मिलकर कमरुल इस्लाम को साथ लेते थे, कमरुल इस्लाम की लीडरशिप में काम करते थे। आज इसी तरह मुसलमानों को कम से कम 44 MLA को टिकट दे देकर को मैं उम्मीद रखता हूं। मुझे कांग्रेस से ये उम्मीद है, अगर उन्होंने नहीं दिए तो 44 MLA में मुसलमानों को ठहरा करूंगा। अगर उन्होंने 44 MLA मुसलमानों को दिए तो मैं बिलाशर्त कांग्रेस का सपोर्ट करूंगा और कांग्रेस की वकालत करूंगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी है। रही बात, अब 44 MLA को टिकट देने के बाद सबसे पहले खड़गे जी अपने दलितों के वोट तमाम दिलाएंगे, उनका साथ देंगे मुनियप्पा जी और परमेश्वर जी। CM कौन हो रहे ये माने नहीं रख रहा है, CM कौन हो रहे ये माने नहीं रख रहा। अगर तुम अपनी पार्टी की जीत लाना चाहते हो तो खड़गे जी, मुनियप्पा जी, परमेश्वर जी और जितने भी दलित, हरि प्रसाद जी, जितने भी दलित नायक हैं, ये पूरे जो है अपने वोट मुसलमान MLA को देंगे। उसके बाद DK शिव कुमार जी अपने फॉलोअर्स, उन्होंने बड़े फकर से बोलते हैं कि पूरा कर्नाटक मेरे साथ है, तो पूरे कर्नाटक के फॉलोअर्स, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जहां मुसलमान को टिकट देंगे वहां पूरे उनको वोट देंगे। उसके बाद रही बात सिद्धरामैया जी तो ऐसे हैं कि वो अपने एक टाइगर की तरह बात करते हैं, तो वो अपने फॉलोअर्स पूरे मुसलमान को वोट देने के लिए मुतवजा करेंगे और दबाव डालकर वोट दिलाएंगे और जिताएंगे। 44 MLA को अगर मुसलमानों को ये जिताएंगे तो ये कौन भी CM होंगे मैं उनका खैर मुकदम करता हूँ। रही बात, अब मुसलमानों में इत्तेहाद का मसला आ रहा है, इत्तेहाद के मसले में मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। जहां खुदगर्जी है वहां हम एक नेता को नहीं मान सकते। जब 22 MLA चुनकर आए थे, ये 22 MLA का फर्ज बनता था कि कौन को साथ रखे। जब हमारे एरिया में हम अपने आदमी को हद से ज्यादा गिराते हैं तो दुश्मन बनकर भले ही एक वोट मिले वो ठहर जाता है। तो आप कोलार से आए हैं, अपना दर्द लेकर आए, तो मैं मुख्तसर ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक डेट ले लो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास भी वक्त कम है, मैं अपने पार्टी की टिकट देना, मैं कांग्रेस में के मुसलमानों को टिकट देने के बाद मैं टिकट दूंगा।
और मैं ये वादा करता हूं, जहां पर कांग्रेस मुसलमान को टिकट देती है, मैं वहां अपना मुसलमान कैंडिडेट नहीं ठहरा करूंगा। लेकिन मैं दूसरे कौम का कैंडिडेट खड़ा कर सकता हूं, मुझे रोक नहीं सकते आप। जब मेरी बात आप नहीं माने तो आपकी बात मैं क्यों मानूं? आपका मेरे घर आना मजा है, लेकिन आपका फर्ज भी बनता है कि आपकी पार्टी को मना लो। मैं होट नहीं फोड़ूंगा, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आपकी पार्टी आपको क्या दे रही है। अगर आप मुझे खैर मुकदम करोगे तो मैं खरगे जी का, सोनिया जी का, प्रियंका का, राहुल गांधी का, डीके शिवकुमार का, सिद्धरामैया का, मुनियप्पा का, खरगे का, ये परमेश्वर का, हरिप्रसाद का, सबका खैर मुकदम करता हूँ। कम से कम 5000 शाला और 5000 हारा लाता हूँ। वो कितने मुसलमानों को जिताते हैं बोलिए, उनका खैर मुकदम करने तैयार हो। इतना कहकर मेरी बात खत्म करता हूँ। और भी क्या सवाल रहा तो बोलो। यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी 45 मुस्लिम उम्मीदवारों को इस मर्तबा टिकट दे? कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट दे, ये मेरा डिमांड नहीं है। अगर दी तो मैं उसे साथ दे रहा हूं। पूछिए। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी देती है तो आपकी पार्टी साथ देगी? मैं साथ दूंगा, बिला शर्त साथ दूंगा। उनका मुझे एक रुपया न को, उनका पद न को, उनका क्या भी न को। क्या मकसद से आया आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं कोलार से ये मकसद लेकर आया क्योंकि एक महीने से हमें मुलाकात करने का कोशिश कर ले गए थे, आज इत्तेफाक से मिलने का मौका मिला। कल दो दिन से अपॉइंटमेंट लेको, आज आपको मुलाकात करो। मकसद क्या है बोले तो हमारा उधर वर्क चलने को है, ऑलरेडी हमें सोशल वर्क कर ले को ही, हमें एक ट्रस्ट भी बना को ही, NGO सरकार रिपब्लिक फाउंडेशन 313 बोल को सरकार के नाम से एक तंजीम बना को। वजह क्या बोले तो हमें मजलूमों की, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद करना और उसके अंदर हमें एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का मकसद से हमें, और कोरोना के टाइम पर ही बहुत सारा वर्क हमें करे। सो आज हमें करीम साहब के पास ये मकसद लेकर बात करने का था कि उधर हमारे कोलार में अब तक का MLA कैंडिडेट को अनाउंस कर पाए, तो कैसे टाइम पर उधर अनाउंस करती बोले तो एक महीना की एक 15-20 दिन है तो MLA कैंडिडेट को अनाउंस करती, और उन्हें आपको खाली कोलार में लीडर कौन पार्टी के आदमी, कौन पार्टी के आदमी नहीं सवाल है कौन को मालूम कर रहा था, कच वक्त खत्म हो जाता है तो वोटर तक उन्हें पहुंच नहीं सकता कैंडिडेट। और ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैंडिडेट को अनाउंस कर को वर्क करने छोड़े तो इंशाल्लाह वहाँ कामयाबी मिलती है। आज तक कांग्रेस का हमें, मुझे अक्ल है जब से हमें MLA को, कांग्रेस का MLA हमें नहीं देखे। वहाँ एक्स मिनिस्टर निसार अहमद साहब एक जी ने MLA बने थे, 30 साल के पहले उन्होंने बने थे, तो उन्होंने जाने के बाद कांग्रेस का MLA एक भी उधर नहीं बन नहीं सका, खासकर हमारे समाज के लोग मुसलमान को भी नहीं बन सके। हमारा मकसद क्या है तो जितना हो सकता है मुसलमान उधर अगर MLA बना तो बहुत सारा अच्छा रहेगा, बहुत सारा अच्छा रहता। और कैंडिडेट क्या वास्ते मुसलमान बनना बोले तो मेजॉरिटी मुसलमान की ज़्यादा है उधर, लेकिन अब जब मुसलमान कैंडिडेट नहीं बन सक रहा है तो गैर मुस्लिम भी अगर कोई बन रहा है तो सबको साथ में लेकर चलने वाला कोई कैंडिडेट अगर है तो उसे दिए तो भी हमें काम करने तैयार है। ऐसा नहीं कि मुसलमान को दिए तो करना क्या भी नहीं है, लेकिन जल्दी उधर कैंडिडेट को अनाउंस करे तो हमें भी काम करने में आसानी होते। तो और अगर वहाँ अगर कैंडिडेट कोई नहीं हो रहा है, सेटेड नहीं हो रहा है, जल्दी ये नहीं हो रहा है तो करीम साहब भी वहाँ होना तो अपने कैंडिडेट को उधर उतार सकते हैं, किसी को काम करने छोड़ सकते हैं। ये हमारा इरादा है।